तो देखिए भाई, हमें यहाँ पर मिल चुके हैं दीपू भाई। दीपू भाई की बहुत बड़े फैन हैं हम। तो भाई अभी चलते चलते हमको यहाँ पर एक घड़ी मिली, वो मिली थी सचिन भाई को, और सचिन भाई ने उनको उनकी घड़ी वापस लौटाई। इसको उन्होंने थैंक यू नहीं बोला, ये रोने लग गया। दोस्तों गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से, और हमारे इन छोटे छोटे प्यारे से छोटे भाई बहनों की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कालिका मंदिर। आज नए साल के दिन हम जाएंगे काली माता के दर्शन करने। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर दो तीन हैं और दो तीन आगे से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग, तो स्वागत आपके देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 हो चुके होंगे, और अभी का माहौल देखिए भाई, कुछ ऐसा साफ माहौल हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे। इस साइड को है कुमाऊं और इस साइड को है गढ़वाल, और बाकी हमें इस रास्ते पे भी बहुत कम अभी मतलब एक आदमी भी नहीं दिखा इधर उधर जाते हुए, है ना। और मेरे साथ यहाँ पर संदीप सिंह है, और ये बाबू है जिसका नाम है दक्ष। और अभी तक हमें इस रास्ते पे भाई कोई भी नहीं दिखा। हम आगे आगे चल के देखते हैं कि कोई मिलता है कि नहीं। और बाकी हमारे जो साथी थे, जो मतलब हमारे साथ आ रखे थे हमारे गाँव से, तो वो पीछे जा रहे, वो पूरी लड़कियाँ हैं और तीन लड़के हैं ओनली। आज मेरे साथ वाले कोई नहीं आ रखे, मतलब लड़के लोग कोई नहीं आ रखे, बस ये दोनों मेरे आज दोस्त हैं। तो यहाँ से आगे के सफ़र में ये दोनों ही रहेंगे मेरे साथ, और बाकी वो लड़कियां हैं वो उनका कुछ पता नहीं है। और बाकी जो मेरे दोस्त थे वो सभी लगे हुए हैं पिच बनाने पे, मतलब मैच के लिए। तो वहाँ पर वो ग्राउंड बना रहे हैं, उनने मैच रखा हुआ है 12 तक का। हेलो गाइस, तो आज हम कालिका टहल जा रहे हैं, और ये आगे का नजारा ये पीछे से लगे हैं, और हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। एक गाना लगा है और तब से दिमाग खराब पे लगे हैं। और तो गाइस, आपको आगे का नजारा दिखाते हैं हम। देखिए भाई दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं खाली ढाई में, और यहां पर देखिए भाई कितनी सारी भीड़ लगी भाई यहां से लेकर और यहां तक, और बाकी यहां से जो भी लेके आएगा प्रसाद लेके आए, यहां पर नीचे दुकान है, यहां पर से प्रसाद लेके जाएंगे। और बाकी देखिए भाई इतनी सारी जनता आ रखी है यहाँ पर, बाकी देखिए भाई सभी लोग जा रहे हैं, और बाकी देखिए कुछ ऐसे करके गाड़ी में आ रहे हैं। देखिए देखिए भाई, ठीक पहुंचने वाले हम अभी मंदिर में, और यहाँ पर मुझे मेरे दोस्त मिले हैं कुछ लोग जो अपने गांव के, पर इनका कुछ पता नहीं था। बहुत राजकुमार और सचिन कुमार। तो भाई अभी जा रहे हैं, और कैसा लग रहा फिर मजा आ रहा है भाई? अभी तक तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो भाई अभी चलते चलते हमको यहाँ पर एक घड़ी मिली, वो मिली थी सचिन भाई को, और सचिन भाई ने उनको उनकी घड़ी वापस लौटाई। इसको उन्होंने थैंक यू नहीं बोला, ये रोने लग गया। तो भाई यहाँ पर पहुंच चुके हम, जहाँ पर से के छप्पर लगे हुए हैं, दिन जोर से बजा थे ना।
तो देखिए भाई, हमें यहाँ पर मिल चुके हैं दीपू भाई। दीपू भाई के बहुत बड़े फैन हैं हम। तो देखिए तो भाई, अभी मैं हूँ गढ़वाल और कुमाऊँ के बॉर्डर पे, और जैसे कि आपको पता है मैं अभी आ रहा हूँ कालिंका से। तो बैग वैग तो मैं लेके आ चुका हूँ और घर से, और अभी जाऊँगा मैं यहाँ से दिबोली जाऊँगा, और वहाँ से कल आगे ट्रिप होगी वो आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। अभी मैं ठीक हूँ ललितपुर के सामने, और मैं इस साइड आया था बैग लेने के लिए। अब यहाँ से सीधा जाएंगे दिबोली। यहाँ से कम 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे यहाँ से नीचे जाने में ना, क्योंकि यहाँ से सीधा उंधाड़ है। उंधाड़ बोले तो नीचे को जाना है, और कुछ अभी ऐसे रास्तों पर जा रहा हूँ मैं। देखिए तो इतनी मस्त लोकेशन है ना यहाँ से, देखिए ये देखिए। तो भाई, अभी हम जो कल वाली ट्रिप है ना, उसमें बहुत लंबे सफ़र में जाने वाले, कम से कम 1 हफ्ता लगने वाला है। 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा भाई घर आते पहुँचते अपने घर में। तो देखते हैं कितने दिन का सफ़र रहता है, और आपको आगे देखने को मिलेगा कहाँ जाने वाले। चुका मैं रुमट्याल गांव में, वैसे इसको दिवोली गांव बोलते हैं, और पूरा फैला हुआ ऊपर से नीचे तक दिवोली। तो यहाँ पर 2-3 बाखलियाँ, जैसे कि ऊपर ब्राह्मण लोग रहते हैं, यहाँ पर रुमट्याल लोग रहते हैं, और ऊपर कुटियाल लोग रहते हैं, और आदि बहुत से प्रकार के जातियाँ रहते हैं। तो इस वजह से अलग अलग गाँव में अलग अलग बाखलियाँ हो जाती हैं। और इस साइड भी एक बाखली है, देखिए मेरे पीछे इस साइड को। और बाकी नीचे शिव भोले का मंदिर है जो कि यहाँ पर नीचे है। और बाकी ऐसा मौसम, घर में तो पहुँच चुके हैं पर घर में कोई नहीं है। तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, मुझे ताला का पता ही नहीं है कहाँ पर रखा हुआ है ताला अंदर ना। तो मैंने यहाँ पर बैग रखा हुआ है, और बाकी नीचे साइड अन्य और आयुष खेलने गए हैं, पीयूष और आयुष नीचे। बगड़ा रोल, क्या किस रोल? भंगड़ा रोल। अरे क्या कर रखा तूने मुंह पर, इधर आओ। ये क्या हो रखा तेरे मुंह पे? हैं, किस लगी होगी? किस ले गया था? गिर गया था। किस ले गया था तू? हां, किस ले गया था? खेलने क्या खेला तूने? वहां खेला मैंने हैं बैट बॉल। कौन है वहां खेल तेरे साथ? हिमांशु दादा, सुब्बी चाचा, भालू। हाँ, वहाँ नीचे किसी का नाम है ना, तो भालू है। मेरा भाई हन्नी है। और है, पर मेरे मुझे नाम नहीं पता। और नमस्ते कौन बोलेगा? फिर बोलो। देखिए भाई, आयुष भी आ चुका है खेल के। तो कहाँ था तो याद नहीं आते तुझे हमारी? आती है
मम्मी कहाँ तेरी? मम्मी घर में आग जला रही है। आग जला रही? वहाँ तो कोई नहीं है। तो कहाँ गई होगी मेरी मम्मी? क्या पता। मैं देख के आता। देखिए भाई, ये मेरी दीदी का सबसे छोटा वाला लड़का है, इससे बड़ा हाय पीयूष, और ये आयुष है ना। तेरे बड़े भाई का नाम क्या है? पीयूष। हाँ। तेरा नाम? आयुष। आयुष है ना। हाँ। खाना पीना हो चुका है और अभी मैं और मेरे साथ पीयूष सिंह पीयूष आ रखा है, आयुष का छोटा भाई। तभी हम सोने के लिए आ चुके हैं और कल देखते हैं कैसा प्लान होता है, किस टाइम पे हम जाते हो, आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। और ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, कमलेश्वर महादेव की जय 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 जय।